वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं अजीत कुमार वर्मा एनआईसी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल से। आज हम लोग सीखेंगे पेज मेकर में फाइल टैब यानी फाइल मेनू के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पेज मेकर को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पीएम 70 टाइप करते हुए। तो सबसे पहला ऑप्शन है फाइल टैब का न्यू। न्यू से नया पेज हम लोग क्रिएट करेंगे। इसका पूरी जानकारी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका क्या काम है, सभी का काम बता दिए हैं। अभी शॉर्ट में चलते हुए इसको हम आगे बढ़ते हैं। A4 साइज लिए, ओके। तो न्यू का मतलब समझ गए, नया पेज। फिर यदि फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं, फिर इसको नया फाइल बनाना है तो न्यू से नया फाइल दूसरा तैयार कर सकते हैं, दूसरा लेटर तैयार कर सकते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो अगला आते हैं ओपन। यदि कोई फाइल हम बना चुके हैं उसको कैसे खोलेंगे, कैसे फिर से देखेंगे, तो ओपन पर जाएंगे। ओपन पर जाने के बाद इसमें फाइल जो सेव करके रखा गया है उसको देखते हैं कहां पर फाइल है। एनआईसी संदेश ओपन किए, जो फाइल कुछ बना हुआ है वो यहां पर खुल गया है। अगला आते हैं रिसेंट पब्लिकेशन। सेम वर्क है, जो ओपन का है वही काम रिसेंट पब्लिकेशन का है। आप यहां से भी क्लिक करके खोल सकते हैं, जैसे एमके है, एमके नहीं दिखा रहा है, नहीं खुल रहा है, डिलीट कर दिया गया होगा, क्लोज कर देते हैं। फिर हम रिसेंट से जा करके यहां से भी देखिए एनआईसी संदेश को खोल दिए। अब आगे आते हैं क्लोज, जो फाइल खुला हुआ है करेंट में उसको आप क्लोज कर सकते हैं। अगला है सेव। यदि आप नया फाइल बना रहे हैं तो उसको तो सुरक्षित रखना होगा, ताकि भविष्य में इसको देखना है, प्रिंट करना है या इसको समझना है। तो कुछ भी हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं। और इसके बाद सेव। अब पूछ रहा है कि कहां सेव करना है, सी में कि डी में कि स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर ही सेव करना है। चलिए स्क्रीन पर ही कर रहे हैं। किस नाम से कर रहे हैं, तो यहां हम बिग के कुछ भी नाम दे रहे हैं। सेव पर क्लिक, इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। देखिए बीके यहां पर फाइल सेव हो गया है। सेवेज का मतलब क्या है, इसको डुप्लीकेट तैयार करना। चलिए इस फाइल को हम खोल दिए हैं, इसको डुप्लीकेट तैयार करके देखते हैं, या दूसरे लोकेशन में सेव कर सकते हैं, दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। तो सेवेज पर गए। इसके बाद डेस्कटॉप पर नहीं, हमको डी में सेव करना है। एनआईसी संदेश से है, एनआईसी संदेश 2 सेव कर दिए। जाकर देखिए हम डी ड्राइव में देखेंगे, डी में, क्योंकि हम भेज रहे हैं 2 कॉपी करके, सेव कर दिए। अब देखिए यहां आते हैं, कंप्यूटर पर जाते हैं, डी में देखते हैं, आपका एनआईसी 2 डॉक्यूमेंट यहां बन गया। अब अगला ऑप्शन है रिवर्ट। देखिए अभी ये फाइल आपका सेव है तभी खुला है। अब इसके बाद हम कोई एडिट करते हैं, जैसे ये हम लगा दिए, यहां कुछ लगा दिए, या हम पिक्चर लाए हैं सेव करने के बाद किए हैं, तो रिवर्ट करने पर क्या होता है कि जो सेव करने के बाद जो हम एडिट किए हैं वो आपका वापस चला जाएगा। गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे कि सेव जो किया हुआ है इसके बाद जो भी हम एडिट करते हैं, रिवर्ट करेंगे तो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगला आते हैं प्लेस। प्लेस से पिक्चर आता है, पिक्चर आ गया, पिक्चर ही नहीं टेक्स्ट भी आता है। जैसे टेक्स्ट कैसे आता है, जैसे हम अभी नोटपैड में
कुछ भी टाइप कर दिए, इसको हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पर, बी के ओके नाम से सेव करते हैं, सेव कर दिए। अब इस मैटर को पेज मेकर में लाना है, प्लेस पर गए, इसके बाद स्क्रीन पर ही सेव किए हैं ना, तो यहां आइए और बी के यहां टाइप भी कर सकते हैं, ओके था ना, ओके था, इसके बाद ओपन कीजिए। यहां देखिए किस तरह का सिंबल बना है, जो माउस पॉइंटर है देखिए, अब यहां पर क्लिक किए, क्लिक करते ही आपका जो मैटर था उस फाइल में यहां उपस्थित हो गया, यहां इंसर्ट हो गया। चलिए तो प्लेस का मतलब समझ गए कि पिक्चर भी ला सकते हैं, टेक्स्ट भी ला सकते हैं। अगला है इक्वायर, इक्वायर का मतलब है कि स्कैनर के द्वारा पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी स्कैनर है नहीं, स्कैनर यदि रहता तो यहां पर जाने के बाद सेव कीजिए और सेव करते ही स्कैन करेंगे, यदि स्कैनर अटैच रहेगा तो स्कैन करेंगे, यहां आ जाएगा, इसको आप सेव कर लीजिएगा, आपका पेज मेकर में चलाएगा। तो इसका मतलब समझें कि स्कैनर मशीन के द्वारा स्कैन करके पेज मेकर डॉक्यूमेंट में कोई भी फोटो को, कोई भी डॉक्यूमेंट के इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है एक्सपोर्ट, एक्वायर का मतलब तो कहीं से लाना, मतलब कि स्कैनर मशीन से लाना पिक्चर को, देखिए यहां पर बता रहा है कौन सा प्रिंटर है आपका, उस प्रिंटर का ड्राइव लोड इंस्टॉल होना चाहिए तभी आपका स्कैन काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब कहीं दूसरे जगह भेजना। तो है बहुत सा इसमें मैटर, लेकिन सभी मैटर को नहीं ले जाते हुए केवल एक ही पैराग्राफ को सिलेक्शन किए हैं, और सिलेक्शन करने के बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद टेक्स्ट। अब इसको कहां ले जाना है, कुछ भी नाम दे दीजिए, एच के डेस्कटॉप पर जा रहा है, सेव कर दिए। अब देखिएगा कि इतना ही मैटर एक अलग, देखिए एच के इतना ही आ गया, तो इसमें से किसी भी मैटर को आप अलग उतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं जितना आप चाहेंगे। तो इतना ही नहीं, केवल टेक्स्ट ही नहीं ले जा सकते हैं, आप पिक्चर भी ले जा सकते हैं यहां से। तो देखिए पिक्चर भी हम ले जाकर दिखाते हैं, देखिए पिक्चर है, पिक्चर को सेलेक्ट किए, देखिए अभी सिलेक्शन नहीं है, यहां क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं ग्राफिक पर जाकर के, इसको हम कहां रखते हैं, डेस्कटॉप पर ही रखते हैं, और इमेज फोर है, या अपने भी नाम अपने तरीके से दे सकते हैं, जी के सेव कीजिए, इसको आप मिनिमाइज करके देखिए यहां पर जी के नाम का इस फोटो इंसर्ट हो गया, अलग एक्सपोर्ट हो गया। तो हम लोग यहां तक पढ़े एक्सपोर्ट तक, उसी तरह आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एचटीएमएल आगे का टॉपिक है जो आगे बताया जाएगा। आगे आते हैं लिंक मैनेजर, लिंक मैनेजर का मतलब है कि इस पेज पर कहां कहां से लिंक है, कहां कहां से आया है, क्या क्या है इसमें। तो देखिए एक है फिगर, यहां जो फोटो दिख रहा है, और दो आपका है जो टेक्स्ट दिख रहा है, मैंने दोनों अलग अलग लोकेशन से आया है। देखिए एक आया है, ए है जो इससे हम इंसर्ट किए थे प्लेस से, जो बोले थे कि पिक्चर भी आता है टेक्स्ट भी आता है, तो ये जो टेक्स्ट आया है ये आपका अलग लोकेशन से आया है, और ये जो टेक्स्ट है यहीं पर खुद टाइप किया गया है, और ए तो प्लेस से फिगर लाया, यानी तीन गो आया है, तो तीन यहां लिंक मैनेजर में दिखा रहा है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप,
डॉक्यूमेंट सेटअप का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपका मिलेगा न्यू में। तो अंतर क्या है? अंतर यही है कि इस फाइल पर जो भी सेट करते हुए फाइल को, पेज को लाए हैं, उसको फिर से मॉडिफाई करना। जैसे डॉक्यूमेंट सेटअप खोल दिए, इसको सेट किया गया है A4 में, हमको A4 में नहीं करना था, हमको A5 में करना था, तो इसी फाइल को A5 में चेंज हो जाएगा। हमको टॉल में नहीं वाइड में चाहिए था, डबल साइडेड नहीं सिंगल चाहिए था। तो इस तरह से जितना भी है चेंजिंग करेंगे तो इसी पेज पर चेंजिंग होगा, इसी पेज को अल्ट्रेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ओके करते ही आपका इसी को सुधार हो जाएगा। लेकिन यदि न्यू करते हैं तो इस पेज को ना करते हुए नया पेज पर आपको ये सब चेंजिंग आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे यहां तक डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में भी, कि इसी पेज पर जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। अगला है प्रिंट स्टाइल। प्रिंट स्टाइल में डिफाइन पर जाएंगे, ये पहले से हम बना चुके हैं, फिर एक नया बनाकर दिखाते हैं। आप लोग जब पेज मेकर खोलेंगे तो केवल यही ऑप्शन नजर आएगा। तो डिफाइन पर गए, इसके बाद न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं, प्रिंटर। ओके किए, इसके बाद आप क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे। आपको जिस तरह से बार बार प्रिंट करना है तो उसको एक सेट हो जाता है। हमको 5 पेज निकालना है, 5 पेज दे दिए, ऑल निकालना है या रिवर्स निकालना है, बोथ नहीं, हमको इवन निकालना है, ओरिएंटेशन में टॉल नहीं वाइड निकालना है या टॉल निकालना है, जो भी चेंजिंग करेंगे ओके करेंगे। और जब आपको प्रिंट करना होगा तो डायरेक्ट आपका सेट किया हुआ है, सेट किया हुआ है, देखिए प्रिंटर नाम से क्लिक करेंगे वो आपका खुल जाएगा। कह रहा है कि आपका इस तरह से सेटिंग है, सीधे आप प्रिंट कीजिए और 5 कॉपी आपका निकल जाएगा और ऑड पेज में निकल जाएगा, रिवर्स में निकल जाएगा। तो इस तरह से हम सेट पहले ही करके रख लेते हैं ताकि इतना बार बार सेटिंग ना करना पड़े। अब प्रिंट, यदि डायरेक्ट प्रिंट निकालना है तो बस वही ऑप्शन मिला है, 5 को निकालिए, 12 को निकालिए, 10 को निकालिए, ऑड निकालिए, इवन निकालिए, जो भी आपको निकालना है, जो भी प्रिंटर से निकालना है, यहाँ पर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है जो कि अभी यहाँ नहीं है। इस लैपटॉप में आपका अभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। कितना रेंज निकालना है, जैसे यहाँ पर 100 पेज रहता है, 50 पेज रहता है, तो उसको आप जहाँ से जहाँ तक निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ रेंज भी दे सकते हैं। ऑल करेंगे तो टोटल आपका 1x1 निकलते चल जाएगा। चलिए अगला है प्रिफरेंस में जनरल। जनरल पर जाएंगे, जो आपका ये रूलर दिखाई दे रहा है, स्केल दिखाई दे रहा है, अभी इंच में है, हमको इंच में काम नहीं करना है, पीस में करना है, मिलीमीटर में करना है, जिसमें भी करना है। और वर्टिकल रूलर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको भी आपको चेंज करना है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से रूलर को, स्केल को आप माप तोल जो करते हैं, ऐसे ज़्यादा हम लोग इंच में ही करते हैं तो इंच में ही बदल देंगे, जिसमें आपको करना है उसमें आपका बदलना होगा। अगला है सेंड मेल। जो भी डॉक्यूमेंट है इसको आप भेज सकते हैं। और अगला है EXIT, जो इसको इस ऑप्शन का यूज करने से पूरा पेज मेकर जो है आपका क्लोज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, पेज मेकर से हम लोग बाहर हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि कुछ सेव नहीं है, सेव भी करना है, तो चलिए यहां पर हम सेव कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।